Assalamu alaikum everyone i hope you all will be fine i am teacher hira as we have started our lesson number 1 and we have read about the physical regions of pakistan we have read the about the mountains about the plains today we are going to read about the plateaus third physical region of pakistan is plateaus what are plateaus plateaus are high flat land area प्लेट्यूज जो होते हैं वो हाई फ्लैट लैंड एरिया होते हैं जैसे ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है हाई फ्लैट लैंड एरिया फ्लैट है लेकिन हाई होता है ये ऊंचे इलाके होते हैं इसके देर दीज आर एज फॉलोर्स देर आर टू मेन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में बेसिकली दो बुनियादी प्लेट्यूज हैं दीज आर एज फॉलोर्स पोटोहार प्लेटियो एंड बलोचिस्तान प्लेटियो पोटोहार द पोटोहार प्लेट्यू इज स्प्रेड बिटवीन द रिवर जहलम एंड रिवर इंडस पोटोहार प्लेट्यू जो है वो दरियाए जहलम और दरियाए सिंध के दरम्या फैला हुआ है इट इंक्लूड्स रावल पिंडी इसमें जो इलाके आते हैं वो रावल पिंडी है अटक है चकवाल एंड जहलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट है जहलम जिला जहलम चकवाल अटक रावल पिंडी ये सारे पोटो हार में आते हैं ये हाई फ्लैट लैंड एरियाज हैं दिस इज़ हार्ड रॉकी एंड बैरन लैंड ये सख्त चट्टान वाली पहाड़ जिस चीज़ के बने होते हैं चटानी और बैरन लैंड है बंजर ज़मीन है यहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती बैरन है बंजर बैरन मीन्स बंजर एक्सेप्ट फॉर पोर्शन ऑफ लैंड नियर रिवर्स मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन एक्सेप्ट फॉर द पोर्स ऑफ लैंड नियर रिवर दरिया के पास जो इलाके हैं उनके अलावा बाकी ज़मीन जो है यहाँ की वो काश्कारी के लिए फसलें उगाने के लिए के बेहतर नहीं है अ नंबर ऑफ़ माउंटेन रेंजेज विच इंक्लूड्स द साल्ट रेंज एंड काला चिट्टा रेंज लाई हेयर माउंटेन रेंजेस जैसा कि साल्ट रेंज है uh, नमक की और काला चिट्टा रेंज जो है वो इस इसमें माउंटेन रेंजेस जो हैं वो इस एरिया में पाई जाती हैं पोटोहार प्लेट में मिनरल्स लाइक ऑयल गैस एंड साल्ट आर आल्सो फाउंड हेयर यहाँ पे मिनरल्स मादनियात पाई जाती हैं जैसे ऑयल तेल गैस और नम, नमक इट इज द मेजर लोकेशन ऑफ ऑयल फील्ड्स इन पाकिस्तान ये पाकिस्तान की मेजर ऑयल फील्ड्स हैं पाकिस्तान की मेजर ऑयल फील्ड्स जो हैं वो पोटोहार प्लेटियो में हैं खियोड़ा साल्ट माइन्स द salt लार्जेस्ट in माइन इन द वर्ल्ड आर here. लोकेटेड हेयर खेरो सॉल्ट माइन है नमक की कान है खेरोड़ा की बहुत फेमस है वहाँ वो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है जो कि पाकिस्तान में पोटोहार प्लेटियो में पाई जाती है नेक्स्ट इज़ अबाउट द बलोचिस्तान प्लेट्यू बलोचिस्तान प्लेट्यू लाइज टू द वेस्ट ऑफ सुलेमान माउंटेन्स एंड द केर्थर हिल्स बलोचिस्तान प्लेट्यू जो है वो कहाँ वाक्य जी वेस्ट ऑफ सुलेमान माउंटेंस सुलेमान पहाड़ों के वेस्ट में एंड द करर्थर हिल्स और कीर्थर की पहाड़ियों में है इट हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद वेरी लो रेनफॉल वहाँ की जो आबो हवा है वो बहुत एक्सट्रीम है एंड विद वेरी लो रेनफॉल बारिश बहुत कम होती है डेट इज़ वाई द प्लेट्यू इज़ कवर्ड विद सैंड एंड बैरन हिल्स इसीलिए बलूचिस्तान प्लेट्यू जो है वो रेत और बंजर पहाड़ियाँ है, है। हैं उनसे कवर्ड है दिस प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स ये प्लेट्यू मिनरल्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकदार में मिनरल्स पाई जाती हैं साथ ही नेचुरल गैस कोल क्रोमाइट कॉपर एंड मार्बल बलोचिस्तान प्लेट्यू जो है उसमें नेचुरल गैस कोल क्रोमाइट कॉपर और मार्बल की मददियात पाई जाती हैं वाफर मकदार में पोटोहार प्लेट्यू पोटोहार प्लाट्यू में हमने पढ़ा कि ये रिवर जहलम और रिवर इंडस में फैला हुआ है इसमें रावलपिंडी अटक चकवाल जेहलम के इलाके आ जाते हैं वहाँ की जमीन जो है वो चटानी और बंजर है इस वजह से वहाँ पर काश्तकारी मुमकिन नहीं है काश्तकारी नहीं की जा सकती फ़सलें नहीं उगाई जा सकती एक्सेप्ट सम एरिया जो कि दरिया के पास हैं दरियाओं के पास जो इलाके हैं वहाँ पे काश्तकारी की जा सकती है बस उसके अलावा नहीं की जा सकती इसके अलावा हमने पोटोहार प्लेडियो में बढ़ा कि ये रिच इन मिनरल्स हैं सॉरी बलोचिस्तान प्लेट्यू जो है वो रिच इन मिनरल्स है पोटोहार प्लेट्यू में भी मिनरल्स पाई जाती हैं ऑयल गैस और सॉल्ट वगैरह और दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है वो भी पाकिस्तान में पाई जाती है बलोचिस्तान प्लेट्यू है जी लाइज बिटवीन टू द ये सुलेमान माउंटेंस और किरथर हिल्स जो हैं उनमें पाया उनमें फैला हुआ है इट हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ की आबो हवा बहुत एक्सट्रीम है और वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है इसलिए वहाँ के जो आ, दम, जगह है वो सैंड से कवर्ड है दिस फ्लैट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स यहाँ पे मदनियात बहुत ज़्यादा तादाद पे पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती हैं जैसे नेचुरल गैस कोल क्रोमाइट कॉपर एंड मार्बल वगैरह that's all we have read about the plateaus now i will send you a picture of uh, question number 4 which is about the photo uh, which is about the plateaus you will write that question in your notebooks and learn that take care allah hafiz